गुड मॉर्निंग एवरीवन मु लिपुन आपण मानको लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज हूँ एप्रिल मास 5 तारीख मंगलवार। आज सकाल कौन टॉप न्यूज डेस्क रही चलतु देखि नबा। ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दियंतु, कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफर्मेशन रही आपण मैंने सर्वप्रथमें देखिपारे। तो चलतु आज कार टॉप न्यूज डेस्क कौन रही देखि नबा। लेट्स स्टार्ट। प्रथम अपडेट रही आसंता 6 तारीख बेलू एक घूर्णिवलय सृष्टि होवार संभावना रही भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र विशेषज्ञ उमा शंकर दास सूचना देचंती। श्री दास कहिचंती जे दक्षिण आंडामान सागर और तार पार्श्ववर्ती अंचल वायुमंडल उपरी भाग में एक घूर्णिवलय सृष्टि होवार संभावना रही। यार प्रभाव में दक्षिण पूर्व बंगोपसागर अंचल एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो घूर्णिवलय सृष्टि होवार 24 घंटा पर दक्षिण पूर्व बंग सागर अंचल आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो यार प्रभाव में आंडामान सगर आखपाख अंचल वर्षा और पवन संभावना रही। यार प्रभाव विभिन्न अंचल कौन आकलन वर्तमान करा जाए ना। आगामी दुई दिन पर्यंत उत्तर ओडिशार मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर कटक वर्षा होवार संभावना रही। सेपरी दक्षिण ओडिशार कंधमाल गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मलकानगिरी किसी अंचल वर्षा हो पारे बोली सूचना रही। दुई नंबर अपडेट रोच पाकिस्तान कामचला प्रधानमंत्री हेबे पूर्वतन प्रधान विचारपति गुलजार अहमद। एबे अनेक आलोचना परे गुलजार अहमद को कामचला प्रधानमंत्री भाव मनोनीत कर। तीन नंबर अपडेट रोच श्रीलंकार आर्थिक संकट मध्य सर्वदलीय सरकार गठन होगा जा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्ष सरकार गठन पर समस्त दल को आमंत्रण कर। गोटबाया समस्त दल को नवेदन कर सब दल मंत्रालय सामिल हो देश संकट समय समाधान बाट बाहर करतु। चार नंबर अपडेट रोच 2022-23 आर्थिक वर्ष बीएमसी 600 कोटी टंकार बजेट प्रस्तुत हो। बजेट रे रास्ता परिमल ड्रेन सहित आलोकीकरण आदि व्यवस्था को प्राथमिकता दि जाता बेले नुआ योजना व्यय बराद को मध्य गुरुत्व दि जाएगी। विशेषकर बीएमसी अंचल सृष्टि होता जलबंदी समस्या समाधान को नजर रखी विभाग पखापाखि 250 कोटी टंका व्यय बराद लक्ष्य रखा जाइछि। पांच नंबर अपडेट रोच राज्य में पंचायत एवं पौर निर्वाचन पर एवं समवाय समिति निर्वाचन पर प्रकाश पाई विज्ञप्ति। आसंता जून हेब समवाय समिति निर्वाचन जून मास 12 तारीख रु 26 तारीख मध्य निर्वाचन अनुष्ठित हेब एने समवाय विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। एज्यर प्राथमिक समवाय समिति कमिटी सदस्य निर्वाचित हे राज्य समवाय निर्वाचन कमिशनर सुपारिश आधार रे राज्य रे आसंता जून मास 19 एवं 26 तारीख रे प्राथमिक समवाय सोसाइटी रे निर्वाचन हेबो। एने सोमवार समवाय विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। परवर्ती समय रे राज्य समवाय निर्वाचन कमिशनर एई निर्वाचन पर प्रस्तुति कार्यसूची घोषणा करिवे बोली जना पड़ी। छ नंबर अपडेट रोच जिओ इंस्टिट्यूट पक्षर आज घोषणा कर शिक्षादान नेतृत्व मंडली को सुदृढ़ करबा लागी यह कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रो प्रोफेसर गुरुस्वामी रवि चंद्रन को प्रोफेस्ट भावे निजुक्ति प्रदान करी। सात नंबर अपडेट रोच श्रीमंदिर रसघरु चूली भांगिवा घटना को अति गुरुतर सहित नहीं राज्य सरकार। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निर्देशक्रमे मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र एवं पुलिस डीजी सुनील बंसल पुरी मंदिर परिदर्शन करिसंती। रसघर परिदर्शन करने सहित सेवायतों सहित कथबार्ता होती जो स्थान मानक सीसीटीवी ना सेठे सीसीटीवी लग जा तेरे सुअर महासुअर सेवायतों मध्य से भली किसी मानमलिन्य ना जार परिणाम स्वरूप एभली घटना घटव बोली श्री महापात्र। अंपक्ष पुलिस डी गणमाध्यम को निज प्रतिक्रिय सीसीटीवी फुटेज को फोरेन्सिक लैब को पठाजी सीसीटीवी व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करो स्थान मानक सीसीटीवी आवश्यकता रही सेठे सीसीटीवी लग जा। आठ नंबर अपडेट रोच देश में अहेतुक दरदाम वृद्धि साधारण जात्री माने भोगुचंती यार फल एने प्रतिवाद कर राज्य कांग्रेस। आसंता 15 तारीख में कांग्रेस देव आंदोलन डाकरा दर नियंत्रण नहले आंदोलन हेबो बोली कहिचंती। एने केन्द्र उपरे बर्षिचंती कांग्रेस विधायक सुरेश राउतराय। नौ नंबर अपडेट रोच 2023 बेलू बदली जीव कि दुनिया मनीषंक शेष दिन आसुची बोली कहले बाबा बेंगा। विश्व को नहीं अनेक भविष्यवाणी
आम शुणी सारे जमीक कोरोना महामारी एवं रूस युक्रेन युद्ध तेज 2023 को नहीं बाबा बेंगा जो भविष्य करपण मैने शुणिले हे तो मुंड कम करवा बंद करदेव बाबा बेंगा भारतपी जहाँ शुणिले आपण पाद तलु मटी खसीज बाबा बेंगा जड़े भिक्षु थे युगन गाड़िया बासीदा थे बाबा 1911 जन्मग्रहण करते 12 वर्ष बयस से निजे दृष्टिशक्ति हर भविष्य देखार शक्ति पाई आखिरे किसी देखिपार भविष्य केउटी कौन घटव सब जापार सुनामी कथा हो कि पापाग पर महामारी सबकि पूर्वर अनुभव कर सारी बाबा बेंगा तो 1996 बाबा बेंगा मृत्यु होता तो बाबा बेंगा कहवा अनुजाई 2023 भारत समेत अनेक देश में जल संकट देखा समुद्र नदी नालर पा सब दूषित होमती पा जमि जा कारण लोक अन्य स्थान को जीवाई पड़ो लोक घर द्वार छाड़े भारत में 50 डिग्री रिनर तापम्रा तापम्रा बढ़ले फसल नष्ट फसल पोकजोक लगे देशरे अकाल पड़िजिबो ता सहित एक घातक भाइरस पुणी दुनिया को कंदाइबो 2022 शेष आड़ को भाइरस पाई संक्रमण खूब बढ़ी चलिबो स्वास्थ्य व्यवस्था फेल मारिबो लोक माने पोक माछी बरी मरी चलिबे टेक्नोलॉजी जेते बढ़िले भी किछि काम दबनी हिंद महासागर उठिब एक विराट सुनामी जहाँ ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया न्यूजीलैंड एवं भारत किसी अंचल को धोईदेव तो लक्ष लक्ष लोक पानी रे भासी मरीज सबुठ आश्चर्य कथा है भारत उपरे एलियन माने आक्रमण करिबे एभली भविष्यवाणी करिसंती बाबा बेंगा 10 नंबर अपडेट रहुचि आंध्र प्रदेश रे तयारी हला 13 नुआ जिला आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री YS जगमोहन रेड्डी सोमवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे राज्यर 13 नुआ जिलार औपचारिक उद्घाटन करिसंती फलर एबे राज्यर मोट जिला संख्या 26 हो जाइछि नुआ जिला गठन पई मुख्यमंत्री रेड्डी समस्तिंकु शुभकामना जणाइछंती एति सहित सरकारक द्वारा प्रदान करा जाउतबा समस्त सुविधा जेमिति लोकक पाखरे पहुँचि पारिबो ता सुनिश्चित करबाकु से अधिकारींकु निर्देश देइछंती 11 नंबर अपडेट रहुछि श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प प्रसंगरे मुख्य शासन सचिवक प्रतिक्रिया कहिले श्रीमंदिर सुरक्षा प्रति नाही कोनोसी विपद 12 नंबर अपडेट रहुछि सांघातिक हेउछि श्रीलंका संकट कर्फ्यू परे भी थमुनी आंदोलन रास्ता को ओल्ल लोके आमको खावा को दियो समस्या घेर पड़ोसी श्रीलंका को पुणी थे सहायतार हाथ बढ़ाई भारत फुएल ट्यांग समेत 40,000 टन चाउल श्रीलंका को पठाई भारत आगामी दिन में आहरी चाउल गहम भी खाद्य शस्य समेत जरूरी औषध भारत पठाइबार योजना रही समस्या भितर श्रीलंका को भारतर सहयोग पर श्रीलंका नागरिक एवं विरोधी दल नेता भारत सरकार प्रशंसा कर 13 नंबर अपडेट रोचे निर्वाचन में राज्यगुड़िकर मागणा बंटन को नहीं प्रधानमंत्री मोदी को सतर्क कले वरिष्ठ अधिकारी कहिले आसीपे विराट अर्थनैतिक संकट पंजाब दिल्ली तेलंगाना पश्चिमबंग आंध्र प्रदेश 5 राज्यर ना नहीं सतर्क कर 14 नंबर अपडेट रोचे कोरोना कटक हटा पर जमुची बारुणी मेला बालेश्वर सुवर्णपुर नदी राजघाट में भिड़ जमाई श्रद्धालु विभिन्न प्रकार जिनस किणाकि सहित खाइबार मजा ने लोक मैंने मेला उपभोग करने राज्य तथा राज्य बाहर आसुंच लोक मैंने जमुची बालेश्वर बारुणी मेला 15 नंबर अपडेट रोचे उबर में जित्रा करने महंगा 15% भड़ा बढ़ाला कंपानी आग को तेल दर बढ़ले आहरी भड़ा बढ़ी सूचना रोचे 16 नंबर अपडेट रोचे 800 अत्यावश्यक औषधर दर वृद्धि सरकार कौन सी भूमिका ना बोली मनसुख मांडवीय सूचना देती एप्रिल मस पहलू 800 अधिक अत्यावश्यक औषधर दाम 10.7% बढ़ी 17 नंबर अपडेट रोचे सठिक कोविड टीका दि जा देशरे कमी कोरोना चतुर्थ लहर आसिले सामान्य रहिबो संक्रमण जहाँकि अदार पुनवाला एने सूचना देचंती 18 नंबर अपडेट रोचे डीजेल इंजिन ले चलुवा ट्रेन ले दूर जात्रा करुवा जात्री को एणिकी अधिक पैसा पैठ करने पड़
ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଭଡ଼ା 15 ଏପ୍ରିଲରୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସମୟରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 19 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନାଦରକୁ ନେଇକି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 47,800 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 52,140 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 20 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 14 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହି ଋଣ ପରିମାଣ 8.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। 21 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ବା ମନରେଗାରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ୟୁନ 25 କୋଟି ଶ୍ରମ ଦିବସର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାତ୍ର 14 କୋଟି ଶ୍ରମ ଦିବସ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 30% କମ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। 22 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଗଲା ରାଜ୍ୟର ବେକାରୀ ହାର। ସାରା ଦେଶରେ ବେକାରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ବେକାରୀ ହାର 9.7%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାକି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମାତ୍ର 1% ଥିଲା। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମନିଟରିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଜାରି କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ବେକାରୀ ହାର ସାରା ଦେଶରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା 17ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। 23 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଏଣିକି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ପିନ୍ଧିବେନି କ୍ରସ୍ ବେଲ୍ଟ। ବାତିଲ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ପୋଲିସ ସର୍କୁଲାର। ରାଜ୍ୟଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ତର୍ଜମା ପରେ ପୁରୁଣା ସର୍କୁଲାରକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇ ନୂଆ ସର୍କୁଲାର ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। 24 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଧ ମିଳିପାରିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ ପଇସା ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଧ ମିଳିବ। ତ ଯୋଜନାର ନାମ ରହୁଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 7.6% ସୁଧ ମିଳୁଛି ବର୍ଷକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର ବୟସ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍କିମ୍ରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ତ ମିନିମମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ 250 ଟଙ୍କା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି 150,000 ଟଙ୍କା, ବା ଆପଣଙ୍କ 250,000ରୁ 150,000 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ 21 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଚ୍ୟୁରିଟି ହେବ, ଆପଣମାନେ ପଇସାକୁ ୱିଡ୍ରାଲ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ପଇସାକୁ ଆପଣମାନେ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ାରେ ନହେଲେ ଝିଅର ବାହାଘରରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଖାତା ଖୋଲିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର ବୟସ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସ୍କିମ୍ରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଗ୍ରୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପଇସା କମାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ 100 ଟଙ୍କା, ପ୍ରତି ରେଫର 100 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।